हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जीके में पूछे गए थे, यानी जनरल नॉलेज जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसमें आए हुए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, यानी किस देश को उगते हुए सूरज का देश बोला जाता है। ऑप्शन आपके पास म्यांमार, जापान, भारत या नॉर्वे। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जापान को क्या कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार, यानी जो वोट डालने का जो अधिकार है, उसकी जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी 21 से घटाकर क्या कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 55वां संशोधन अधिनियम 1986, इनमें से कोई नहीं, 61वां संशोधन अधिनियम 1989 या 56वां संशोधन अधिनियम 1987। तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताने हैं और एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, जो 1989 में लागू किया गया था, उसके द्वारा जो मत अधिकार यानी वोट डालने का जो अधिकार की आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को या 5 सितंबर को? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि टीचर्स डे के बारे में बात कर रहा है। अगर हम टीचर्स डे ओनली देखते तो यहाँ आपका 5 सितंबर सही हो जाता है, कि भारत का जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई है, यानी इनमें से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? गुरु तेज बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु नानक देव ने? तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, सतलज पे, कृष्णा पे या ताप्ती नदी पे? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सतलज नदी, यानी जो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है वो किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी सूर्य ग्रहण की कंडीशन क्या होती है? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, इनमें से कोई नहीं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है? तो कमेंट करके बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन ये हो जाएगी। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है एनसीटीआई के, मतलब एनसीटीआई जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका जो ए ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, कि एनसीटीआई का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जैनवाद के अनुसार, यानी जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24, 20, 25 या 22? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कि हम सबको पता है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24, और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चूना पत्थर परिस्थितिकरण के बाद परिवर्तित होता है, यानी चूना पत्थर जब परिस्थितिकरण किया जाता है तो उसके बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? मार्बल में, क्वार्टाइज में, ग्रेनाइट में या स्लेट में? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कि चूना पत्थर परिस्थितिकरण के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक बैंक शेड्यूल बैंक कब कहलाएगा?
ऑप्शन आपके पास, यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कोई नहीं, यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है। और लास्ट है आपका, यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई भी बैंक शेड्यूल बैंक तब कहलाएगा जब वो RBI एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, यानी कितने सदस्य निर्वाचित कर सकता है, वो बता सकता है कि नहीं राज्यसभा के लिए कितने सदस्य वो खुद से निर्वाचित कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास 12 सदस्य, 15 सदस्य, 6 सदस्य या 9 सदस्य। तो कमेंट करके बताइए इसके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में बुस्कर पुरस्कार जीता जाता है, यानी इन सभी क्षेत्रों में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें बुस्कर पुरस्कार दिया जाता है या बुकर पुरस्कार जीता जाता है। ऑप्शन आपके पास कथा साहित्य यानी फिक्शन राइटिंग, साहसिक कार्य यानी एडवेंचर, विज्ञान यानी साइंस या औषधि यानी मेडिसिन। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है किसे, न्यायपालिका को, प्रेस को, विधायिका को या कार्यपालिका को। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि चौथा खंबा संप्रत्यय जो है वो प्रेस को संदर्भित करता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप हिस्ट्री सीरीज देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो हम सभी जानते हैं भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, हम भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शोभना गुरटू प्रवर्तक हैं किसके, ख्याल एवं द्रुपद के, इनमें से कोई नहीं, ख्याल या ठुमरी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोभना गुरटू जो है वो ठुमरी के प्रवर्तक हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है, मंगल एवं बुध को, बुध एवं शुक्र को, पृथ्वी एवं मंगल को, पृथ्वी एवं बुध को। निकृष्ट मतलब, निकृष्ट ग्रह मतलब नजदीक के ग्रह। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जो बुध और शुक्र हैं इन्हें निकृष्ट ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है, कि रेटिनॉल को हम और किस नाम से जानते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन दो देशों को, पाकिस्तान श्रीलंका को, ब्रिटेन और फ्रांस को, भारत और पाकिस्तान को या भारत और श्रीलंका को। तो सही से कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 324। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पोंगल त्योहार है, यानी पोंगल किस जगह का फेमस त्योहार है, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का या केरल का। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि पोंगल क्या है, आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। अब पोंगल को हम जो यहाँ मनाते हैं वो मकर संक्रांति के रूप में भी मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोंगल को मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं, तो पोंगल के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वर्ष 2014 में भारत का जो तेलंगाना राज्य था वो 29वां राज्य बना था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जापान की संसद का नाम क्या है, यानी जापान की जो संसद है उसे हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है, सोरा, मजलिस, डायट या नेसेट। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जापान की जो संसद है उसका नाम है डायट। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है, रियाद है, रामल्ला है, अबू धाबी है या मस्कट है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ओमान की राजधानी है वो है मस्कट। तो 23 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहू कहाँ का मुख्य त्यौहार है, असम का, गुजरात का, ओडिशा का या पश्चिम बंगाल का। तो कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन कौन सा है इसका। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो बिहू है वो असम का मुख्य त्यौहार माना जाता है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 12 में या अनुच्छेद 15 में। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि जो भारत का संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 51A है उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पेलाग्रा, बेरीबेरी, ऑस्ट्रियोमेलेसिया या स्कर्वी। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है आपका स्कर्वी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है, 2011, 2025, 2016 से 2030, 2001 से 2015 या 2006 से 2020। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 से 2030 की जो अवधि है वो निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या चिपको आंदोलन से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो आपके बचपन बचाओ आंदोलन से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था किसने, अरुण जेटली ने, सुरेश प्रभु ने, पीयूष गोयल ने या मनोज सिन्हा ने। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुरेश प्रभु। सन 2016 में जो भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया गया था वो सुरेश प्रभु ने पेश किया था। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री जो रामनाथ कोविंद जी थे वो बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था, स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, समता, समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का जो सही नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस खिलाड़ी ने रियो पैरोलिंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था, शरद कुमार, मुरलीकांत केटकर, वरुण सिंह भाटी या मरियप्पन थंगावेलू। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मरियप्पन थंगावेलू थे उन्होंने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्यों, मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर चर्चा में रहेगा तो कोई ना कोई रीजन होगा उसके चर्चा में आने का। तो वही रीजन आपसे पूछा जा रहा है। पहला है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे इसलिए, इनमें से कोई नहीं।
नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनः निर्वाचित किया गया था, इसलिए इनके चर्चा का विषय यही था। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसे भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है, न्याय को, रामायण को, गीता को या ऋग्वेद को। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऋग्वेद को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता करती हैं, किसमें? श्वसन में, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। उद्दीपक मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो आपको फोर्स करे कोई काम करने के लिए, जैसे कि खाने की स्मेल है वो क्या है, आपकी भूख बढ़ाती है, तो खाने की स्मेल आपके लिए उद्दीपक हो जाएगी और आपकी जो भूख बढ़ती है, आपकी जो लार टपकने लगती है, वो आपकी अनुक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं, एम एस स्वामीनाथन या सी डी देशमुख। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, कहाँ के प्रधानमंत्री थे, कनाडा के, स्पेन के, इटली के या फ्रांस के। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो जो थे वो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया, यानी तीन नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं लेकिन एक नाटक ऐसा है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नाटक है। तो कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन, एज यू लाइक इट। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, आर्म्स एंड द मैन। ये विलियम शेक्सपियर का नाटक नहीं है, बाकी के जो तीन है वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए नाटक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जापान में, स्पेन में, चीन में या दक्षिण कोरिया में। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर से इस ईयर के करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होना था वो होना था जापान में। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है, यानी सही मैच बताना है कि रिंगवर्म किससे रिलेटेड है, यानी मलेरिया का कारण क्या है, कालरा का कारण क्या है, एनीमिया का कारण क्या है। यहाँ अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिसमें से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3-1-2-4। रिंगवर्म का जो कारण है वो है फंजाई, मलेरिया का कारण है प्रोटोजोआ, कालरा का है बैक्टीरिया और एनीमिया का है लौह की कमी। तो ये आपका सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है, यानी राज्य हड़प नीति से संबंधित कौन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है कि राज्य हड़प नीति जो स्टार्ट की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, यानी नहीं है, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत रीड कर दिया। इसमें ये पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड या माउस। तो हम यहाँ आराम से बता सकते हैं कि जो प्रिंटर है वो क्या इनपुट डिवाइस नहीं है, हम इनपुट कोई चीज़ नहीं करते। प्रिंटर क्या है, आउटपुट है, जो भी हम इंटर करते हैं, अगर हमें कोई इमेज चाहिए हम कंप्यूटर से तो हम प्रिंटर से निकाल लेते हैं। तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है ना कि इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है,
अबुल फजल की, रस खान की, मलिक मोहम्मद जायसी की या अमीर खुसरो की। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पद्मावत है, जो हिंदी मूवी बनी आपकी पद्मावत, वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित मूवी बनी थी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने या महमूद गजनवी ने। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगी कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और ये उसका सबसे ज्यादा फेमस आक्रमण भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है, पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को या गौतम को। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगी, जो कपिल हैं उन्हें सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। पतंजलि किसके हैं, योग दर्शन के हैं, गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती थी उसके संपादक कौन थे, पंडित पूरणचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारेहीन या बालकृष्ण भट्ट। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगी कि सरस्वती पत्रिका जो बहुत फेमस पुस्तक थी, पत्रिका थी, उसके जो संपादक रहे हैं वो रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मदर पुस्तक किसने लिखी, बेन जॉनसन ने, ऑस्कर वाइल्डे ने, टी एस इलियट ने या मैक्सिम गोर्की ने। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मदर नामक पुस्तक लिखी गई थी वो मैक्सिम गोर्की ने लिखी थी। तो डी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब से लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से, 1 सितंबर 2017 से, 1 जनवरी 2017 से या 1 अप्रैल 2017 से। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जीएसटी जो लागू की गई थी वो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। तो इस वीडियो में हमने 2018 में जो जीएस के 50 क्वेश्चंस आए थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं और जो आपको इसका लिंक भी इससे रिलेटेड जो और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, यानी जो सीरीज मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन सीरीज जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ लगातार, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको एक न्यू सीरीज़ यानी न्यू क्वेश्चन सीरीज़ बताऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन इस टाइम मैं आपको करा रही हूं, क्योंकि इस लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको इससे एनालाइज भी होगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।